एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं ट्रिपल सी के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल के कॉलम की विड्थ बढ़ाने का तरीका क्या क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑल प्लस सेव प्लस एरो के शॉर्टकट के द्वारा। कमांड के साथ कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है ताकि 22 संख्या के वृत्त की सूची और दोनों वर्णों में भिन्न प्रत्येक वर्ण के लिए ऑप्टिकल से अलग बाइट दे सके? उसका करेक्ट आंसर है माइनस एल। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अपने फ्रेंड और रिलेटिव से जुड़े रहने के लिए क्या यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है सोशल मीडिया। इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस सही है? करेक्ट आंसर है सेकेंड। निम्न में से किस सेल के वाइल्ड कार्ड का उपयोग किसी भी संख्या के वर्णों से मेल खाने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है स्टार। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर होता है? करेक्ट आंसर है कर्नल। निम्न में से किस कमांड का उपयोग से हम हाई ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है एड। कर्सर के नीचे वर्ड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है एक्स। किसी एक वेबसाइट को कहते हैं? कनेक्शन ऑफ एचटीएमएल पेज। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? टू। तीन अनुमतियों आरडब्ल्यू का पहला सेट फाइल के ओनर से संबंधित है जो दर्शाता है कि स्वामी के पास है। दोनों पढ़ने और लिखने की अनुमति। लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करने के शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F4। निम्न में से एफटीपी में F का क्या संबंध है? फाइल। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को किस पर प्रिंट करने का कार्य करता है? हार्ड कॉपी पर। इनमें से क्या प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है? ग्रे स्केल प्रोजेक्टर। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है डिवाइस कहलाती है। आउटपुट डिवाइस।
निम्न में से किस चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय में नहीं? हाफ ड्यूप्लेक्स, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? लिनक्स। एचडीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सिस्टम में निम्न में से कौन सी विशेषता का होना आवश्यक है? उपरोक्त सभी। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता? कंप्यूटर का नाम। निम्न में से फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है? उपरोक्त सभी। सामान्य प्रोग्राम और वायरस में क्या अंतर होता है? एक वायरस स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेता है। हाफ ड्यूप्लेक्स संचार में दोनों पार्टी संचालित कर सकते हैं परंतु एक ही समय पर नहीं। एक्सेल का उपयोग किन क्षेत्र में होता है? करेक्ट आंसर है बोथ अकाउंटिंग एंड डाटा एनालिसिस। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ENIAC। इंटरनेट में डिले का क्या मतलब है? डाटा पैकेज समय पर नहीं पहुंचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन है .xls। प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता? करेक्ट आंसर है रिव्यू। निम्न में से स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करती है? करेक्ट आंसर है हब या स्विच। यदि आप अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं? करेक्ट आंसर है पैन। विंडो 8.1 की विशेषताएं हैं? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट क्या है? करेक्ट आंसर है कंट्रोल X। एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? करेक्ट आंसर है 4। निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है?
करेक्ट आंसर है टाइटल. लिब्री ऑफिस सॉफ्टवेयर आप किस पर चला सकते हैं? करेक्ट आंसर है सभी पर. देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? करेक्ट आंसर है केरल, मलप्पुरम. लिब्री ऑफिस में कैल्क में अधिकतर कॉलम का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है XFT. करेक्ट आंसर है AMG. पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आता है? करेक्ट आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग. लिब्री ऑफिस कैल्क एंड एक्चुअल डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है? करेक्ट आंसर है AND बोल. विंडो 8.1 के ऐप हैं उपरोक्त सभी. इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए इनमें से सही HTML टैग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग. लिब्री ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Q. भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता. लिब्री ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? एंटर. इंटरनेट किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग करता है? पैकेज स्विच. डॉस का अंतिम संस्करण कौन सा था? 22. लिब्री ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? इंप्रेश. ऑल प्लस टैब क्या करता है? एक विंडो से दूसरे विंडो जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.